वो सबसे पीछे जो बैठी हुई है वो मेरी पत्नी है। हाँ, और उसके बगल राम 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 कर लो। और उसके बगल में जो बैठी हुई है वो हमारे घर में सबकी माँ है, यानी कि मेरी बेटी। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आहा, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छुकाया हूं। आहा, बहुत बढ़िया काम किया आपने भाई साहब। ये जो तीन चार व्यक्ति मेरी बच्ची की वजह से परेशान हुए, भाई साहब माफी मांग सकता हूं बस, मैं और कुछ नहीं। अब क्या करें, इकलौती है, मेरे को तो ये दूसरे बच्चे की भूमिका भी नहीं बनाने देती। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ सब भगवान से मांगते कि एक बच्चा दे दे, और मैं इससे मांगता रहता हूं। भाई जगी रहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी है भाई साहब आप आपके सामने हैं, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे होते हैं। मैं मतलब अभी ये माता जी यहाँ पे आई, ये कभी कहाँ गया, वो यहीं पे बैठा हुआ था, तो माता जी ने माला मांगी, अगला बोतल पकड़ा रहा है। माता जी इसमें उसका दोष नहीं है, 9 बजे इनके घर पे बोतलें खुल जाती हैं, ठीक है ना, तो जैसे संस्कार वैसा कर दिया उसने। जिंदाबाद, बस बस, वाह भाई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं इसमें। मैं आपको बतला दूं, देखो महिलाएं सुन रही हैं, ये बड़ी बात है। ये जो अपने सीरियल छोड़ के आई हैं, मैं इन्हें विशेष नमन करता हूं। मैं सच बतला दूं, नहीं मैं बतला दूं, अभी अभी हम रास्ते में से आए तो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास ये सारी बहुएं हंसी हैं, गारंटी से कह सकता हूं। और पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये भी बहुएं हंसी हैं, गारंटी से कह सकता हूं। और इनके लिए ये जोक खत्म भी हो गया आगे। इन्हें सुनना भी नहीं है कौन बचा है कौन मरा है। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही, ना मेरी वाली तो आई ना। तो मैं नमन करता हूं उस सास को जिसकी बहू यहीं पे बैठी हुई और इस जोक पे हंस के तालियां बजा रही है। हाँ। बहुत अच्छा सुन रहे। मैं बतला दूं जी, हम तो कई मंचों पे जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। मैं एक मंच पे गया, बिल्कुल इन्हीं माता जी की तरह, वो ताली नहीं बजा रही थी। होता है, सदमा हो जाता है जब माला मांगते बोतल देता है कोई, तो सदमा हो जाता है। क्योंकि जब उसने बोतल दी, आपको भी ये बात आत्म स्वाभिमान की लगी होगी कि मैं इसे क्या ऐसी लग रही हूं। तो हम कई जगह पे जाते हैं, मैंने एक जगह पे मंच पे क्या भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, मैंने मुक्तक सुना, मैंने चुटकुला सुना, पर अगली हंस के ना दे। मैं नीचे उतर के पैरों में पड़ गया, मैं कहा बहन जी गलती क्या हो गई, आप हंस क्यों नहीं रही, आप ताली क्यों नहीं बजा रही। बोली, तेरी सकल मेरी सास से मिलती है। तो मैंने पूछा, उसके भी मूछें आती है क्या? बोली, हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर ली थी। और ये ऐसा ही होता है भाई साहब, महिलाओं का ऐसे ही है, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। और देखो वो लोग भी ताली बजा रहे हैं जिनकी पत्नियों ने इस बात पर ताली बजाई है। ये विशेष नमन करता हूं भाई साहब आपको। मैं क्या सुन रहे हो यार आप, बिल्कुल मतलब मैं तो इस चीज का माहिर हूं। बताओ, मैं बता दूं भाई साहब, देखो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ललित गर्ग जी बीच में बैठे हुए। मैं बता दूं भाई, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई, लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। ये देखने के लिए मैं और अमित शर्मा उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। अमित शर्मा ने अपना नाम लिया अमित शर्मा, तो कुएं में से आवाज आई अमित शर्मा। तो अमित शर्मा ने बुलाया, ललित गर्ग जी का नाम लेके देखते हैं, तो हमने झुक के नाम लिया ललित गर्ग, तो भाई साहब कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। पर हमने सुरेंद्र जी को फोन मिलाया, सुरेंद्र कह रहे हैं, बे एक बार और बोल, कवि सम्मेलन है इनका।
मैंने दोबारा नाम लिया ललित गर्ग जी, तो कुएं में से कुएं ने बगल में एक बाबा थे, मैंने कहा बाबा कोई गलती होगी तो बताइए। मैंने अपना नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई। अमित शर्मा ने नाम लिया तो कुएं में से अमित शर्मा आवाज आई। जब मैंने ललित जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज नहीं आई। तो बाबा बोले बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अमित शर्मा का जवाब हो सकता है, ललित गर्ग जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो ललित जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। क्या बात है। तो जिंदाबाद। तो मुझे तो नोट देना तो 2000 वाला देना प्लीज। नहीं मैं बतला दूं भाई साहब, देखो मंच के लोग बैठे हुए हैं, अमित शर्मा हमेशा एक बात मुझसे कहता है कि विनोद मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे तुम रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने बैठी हुई पब्लिक गाए। मैं एक कोशिश करता हूं भाई साहब, मैं एक जगह पर रुक जाऊंगा, मैं दावा करता हूं आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा मैं एक जगह पर रुक जाऊंगा, उससे आगे की पंक्तियां आप पढ़ोगे, मैं दावा करता हूं। और मैं अपने दावे पर कितना खरा बैठता हूं ये आप देखना। के सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोड़ियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। जवाब नहीं तुम्हारा भाई साहब। तो कविता की ताकत है ये, हालांकि आप लोग अभी भी ताली नहीं बजा रहे। ये मजाक नहीं था भाई साहब। मैं आपको, मैं देखो दिल्ली से आया हूं और दिल्ली में इस वक्त हालात ऐसे हो रहे हैं, देख आप जानती है कौन हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन बन गया भाई साहब। नहीं मैं अभी ट्रेन में से आ रहा था वाइफ के संग, सच बतला रहा हूँ, मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उससे पूछा भाई साहब आप कहाँ से, कह रहा मैं झांसी से। फिर उसने मुझसे पूछा भाई साहब आप कहाँ से, मैंने बोला भाई मैं दिल्ली से। तो एक तंग भाई साहब मेरे को घूर के देखने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको। वो अलग उत्साहित, उसका उत्साह अलग है। वो हमेशा कहता रहा दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बोला दिल्ली पुलिस भी तुम्हारे बारे में यही कह रही है। अलग है। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया, तो लड़की ने जो जवाब दिया, और दिल्ली की राजनीति दिमाग में रखना साहब आप तक बिल्कुल पंक्तियां पहुंचेंगी। और अब ये दावा करता हूं चौथी पंक्ति मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद आप सबके मुंह से निकालता हूं कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। हमारे बीच में गुंजन जी बैठे हुए हैं, ये चार पंक्तियां देता हूं साहब, दावा करता हूं चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी, सुनना। एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया, उसका कारण सुनना कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला। आहा। तो निकलती है पंक्तियां भाई साहब दिल से, ऐसी वाली बात नहीं है, मैं बतलाऊं। अच्छा देखो उत्साह की बात करते हैं, आजकल एक व्यक्ति निकला पड़ा भारत जोड़ो यात्रा पे, वो अलग ही उत्साहित है भाई साहब। मैं सर आप तो लोगों यात्रा से हो गई यार दिखो। वो अलग ही उत्साहित है, वो एक साउथ दिल्ली में एक जगह पे प्रोग्राम था, वहां सारे साउथ इंडियन बैठे हुए थे, उनके बीच में से निकल के जा रहे थे राहुल गांधी जी। इतने में एक अम्मा खड़ी हुई और साउथ इंडियन में उनके सर पे हाथ रखते हुए बोली यंडू वरा किन्ने तुम्ब। अब उत्साहित तो रहता ही है स्टेज पे आके बोल रहा, अब की बार कांग्रेस की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने अभी मुझे आशीर्वाद दिया है यंडू वरा किन्ने तुम्बा, तो किसी ने नीचे से बोला भैया ये हिंदी में कह रही है बेटा तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। और ये हो रहा है, मैं बतला दूं अगर इटली के गार्डन में इनका पूरा परिवार बैठा हो, एक बार आंखें बंद करके मैं आपको एक स्थिति दे रहा हूं और आप सुनना, अगर आप तक बात पहुंच जाए तो समझ लगे इटली के गार्डन में अगर ये भारत में नहीं होते तो, और कांग्रेस के सारे इटली में होते तो क्या क्या दृश्य होता, वो दृश्य आपके बीच में। इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही है, उन फूलों में से एक फूल जो फल फूल नहीं पा रहा है उससे थोड़ा सा आके श्री 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 1008 उनके जीजा महाराज
कुछ कच्ची जमीनों पे अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां कोने में कुछ बुजुर्ग नेता कच्ची गलियों को पानी दे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लेता भाई साहब, जिनके दूसरे ब्याह हो चुके हूं। दिग्विजय सिंह जी, अब ऐसे दृश्य में मां अपने बेटे से क्या कह रही है? मां परेशान हो चुके राहुल गांधी के भाषण से। आजकल कांग्रेस को कांग्रेसी कोई नहीं कह रहा, जब से अगले ने किलो को लीटर में बांध दिया सब लीटर ही बोल रहे हैं उन्हें। अब एक दृश्य आपकी आंखों में दे रहा हूं, मां अपने बेटे से क्या बोल रही है। गाना राम लखन फिल्म का है, मैंने बस कुछ शब्द इधर से उधर करे हैं आपके बीच में। मां कह रही है अपने बेटे से, ओ राहुल बड़ा दुख दी भाषण तेरे, बड़ा दुख दीन, मेरी भद पिटवाई, नाक भी ये कटवाई, मेरा मुश्किल कर दिया जीना, बड़ा दुख दी। क्या बात, कांग्रेस वाले हो क्या? नहीं हो सकता, अभी अभी यहीं से यात्रा निकली हो सकता है, 10 मिनट के लिए तो वो अपने सम्मान में कर ही लेता है ना सबको। हमारे भी एक बड़े कवि आजकल उनके सपोर्ट में चले गए हैं भाई साहब। तो आगे माँ क्या कह रही है, देखना माँ का दर्द क्या है, बस माँ को और कुछ नहीं कह रहा। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आए। तू है पप्पू, अगर मुझे होती खबर तुझे देती जन्म कभी ना, बड़ा दुख दी। और यही चलता आ रहा भाई साहब। देखो हम जब से आ रहे हैं, हमारे बीच में क्या चल रहा है, हम दिल्ली से जब हम किसी को बोलते थे ना दिल्ली में चल रहे हैं। ललित गर्ग जी, मैं बता दूं, ये भाई साहब वो व्यक्ति हैं जो पूरे दिन व्यक्ति की मदद करने में लगे रहते हैं। इनका मैंने खुद देखा, मैं 4 दिन पहले भी आया था यहाँ पे, तब मैंने इनका देखा स्वरूप। ये पूरे दिन भर, अरे राहुल इधर आ, मंजीत जी इधर आओ, ये इधर, और रात के 10 बजे इनकी आवाज फोन पे पता कैसी हो जाती है, हेलो। अच्छा जिससे फोन पे बात कर रहे हो तो उन्हें तो पता नहीं है किस टेम्परेचर मोड पे बैठे हुए। वो बोलती है, हाँ हेलो। अब ये क्या कर रही है? वो बोलते खाना खा रही हूं, खाना, ये जानने के बाद भी खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या खा रही है? तो लड़की कहती है, ललित जी आपको हो क्या गया है, ये जान के क्या कर लोगे मैं खाने में क्या खा रही हूं, कोई जनरल नॉलेज की बात कर लो। तो ललित जी बोले, अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी यू डोटिंग क्लब होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज इंक्लूडेड आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 ईयर 20% एंड लास्ट विल बी 50%, इट विल बी लास्ट 50% एंड यू विल गेट द 50% इन द फिफ्थ, इफ यू विल सोल्व योर व्हीकल यू विल गेट द 50%। लड़की बोली, अच्छा खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। ऐसे भी लोग हैं भाई साहब, मैं बता। और ये देखिए भाई साहब, मेरी मम्मी की हमेशा से एक तमन्ना थी, मेरा बेटा लाखों के बीच में पड़े, आज मेरी तमन्ना पूरी भाई साहब, 1.25 लाख एक व्यक्ति के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ ना जाने कितने लोग बैठे हुए हैं। आज मेरी माँ का भी सपना पूरा हो रहा है। ललित जी यहाँ से आके पैसे देना प्लीज, ऊपर ही आ रहे हो ना, आ रहे हैं, आ जाओ। नहीं नहीं आ जाओ, मैं अगली लाइन बोलूंगा नहीं भाई साहब। कभी ऐसा नहीं देखा, कभी वैसा नहीं देखा, मैंने अपना मुकद्दर देखा है, पैसा नहीं देखा, और देखने वाले ने दुनिया देखी है, पर कभी भी ललित गर्ग जी जैसा नहीं देखा। आ जाओ भाई साहब, मां कसम वाइफ सामने बैठी है, ऐसी माला उसने भी नहीं पहनाई थी उस दिन, तुम तो लो, ऐसी माला उसने भी नहीं पहनाई थी विवाह वाले दिन। और मैं चाहूंगा इस 2023 का करवा चौथ भी आप मेरे लिए रखो। मैं चाहे नेहा को कुछ भी बोल के आऊं, पर आपका तुड़वाने आऊंगा भाई साहब। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, यकीन मानिए। मैं इनकी बड़ी तारीफ करता हूं भाई साहब, दिल से आपका मुरीद हूं।
अच्छा यहाँ पे पता है भाई साहब दिक्कत क्या होती है, मैं बतला दूँ, एक मेरा व्यक्ति एक मेरा दोस्त है भाई साहब, उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, भाई साहब उतार दूँ अब, पता नहीं कहीं की परंपरा है, मेरे को पता नहीं यहाँ पे है या नहीं है, मेरे को सुरेंद्र जी ने बताई नहीं, और जगहों पे हम जाते तो यहाँ पे 500 का नोट लटका देते थे, पता नहीं चलो कहीं कहीं पे भी होती होगी, आ जाएंगे जहाँ आने होंगे, तो कोई बात है ना, इतना नहीं लड़ते किसी के पास पीछे पैसों के लिए। मैं देखो मैं बता दूं, मेरा एक दोस्त उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है आज के बाद तू जब भी कहीं पर जाएगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। उसे लेके मैं अपनी ससुराल में गया, नेहा याद है ना, हाँ, तो मैं उसे लेके अपनी ससुराल में गया। नहीं अगर जिसको यकीन नहीं हो रहा पीछे मुड़ के देख लो भाई साहब, वाइफ हाथ हिला के बोल दे कि यहाँ पत्नी है, मैं अमित शर्मा जैसा नहीं हूं। तो भाई साहब उसे झूठ बोलने में मैंने बोला आज के बाद मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, अपने झूठ को छोटा कर लियो। अरे ठीक है। मैं उसे लेके ससुराल में गया, ससुराल में जाते ही मेरी सास से बोला अरे आंटी जी अभी हम खेतों में से आ रहे थे हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं फिर बोला करा और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया फीता लेके आया फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख इभी यो फीते से नाप लिया अब ये कम तो हो नहीं सकता, अब तू अपनी खांसी को मोहल्ला क्लिनिक में दिखला ले क्योंकि वहां पे डॉक्टर आते नहीं है। और यही होता आ रहा है। देखिए मैं आपको बतला दूं भाई साहब हम किन चीजों में अटके। मैं ललित गर्ग जी को एक व्यक्तित्व के तरीके से जानता हूं, इनके काफी जान पहचान में डॉक्टर भी इनके काफी जान पहचान के लोग हैं। मैं बता दूं एक तो इनका चेहरा देखो आप, एक मिनट तक देखते रहो भाई साहब, ये वो चेहरा है जो चेहरा अगर यूक्रेन रूस को दिखला देता ना तो रसिया हाथ जोड़ लेता यूक्रेन का, ना 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 मैं ना मार सकूं भाई, कोई गोला नहीं है मेरे पास ऐसा, पर ये हमारी उपलब्धि है, ये व्यक्ति हमारे पास है भाई साहब। और इतनी बोलने के बाद मैंने कई मंचों पे देखा 5,000 रुपए आ जाते मेरे पास, पर नहीं, पर हमें कुछ नहीं बोलना भाई, बस साफ सीधी सी बात है, जिससे देना होगा खुद चढ़ के यहीं पे आके देके जाएगा, कोई नीचे वीचे माला वाला पहनाओ यार। और भाई ये किसी व्यक्ति ने मुझे पहनाया था, बैठे हुए यहीं पे ये नहीं, एक आपने पहनाया था भाई साहब, कहाँ है हाथ उठा दो भाई, वो पीछे बैठे वो ये भाई साहब, मैं मुरीद हो गया आपका भाई साहब, मतलब जिस तरीके से आपने सुई घुसोई है ना एक कवि सम्मेलन के लिए मैं निकल रहा था, मेरा बटन टूट गया था, पीछे बैठी पड़ी हुई है वाइफ, 4 बार सुई चुभो दी इसने मेरा, और तुमने 1 बार में ही नमन करता हूं भाई साहब आपके, जो भाभी जी आपको संस्कार दे रही है जाना, बाकी सब हास्य मजाक हो गया हो, बस ये 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, कि सुंदर सपन सलोने, बस ये 4 पंक्तियां अपने घर पे लेके जाना, अपनी बच्चियों को सुनाना भाई साहब, ये 4 पंक्तियां विनोद पाल ने माँ शारदे ने कुछ अच्छा लिखवा दिया वो आपके बीच में सुनिएगा भाई साहब, कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना, और मेरी बच्चियों मेरी इन पंक्तियों को गांठ बांध के रख लेना, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफ्ताब को मत चुनना, धन्यवाद, थैंक यू। मेरा एक दोस्त भाई साहब उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला यार तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, कह रहा विनोद भाई मुझे पता ही नहीं चलता, मगर ठीक है आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है। अब मैं उसे लेकर भाई साहब अपनी ससुराल में गया, ससुराल में जाते ही बोला सासू मां अभी हम जंगल में से आ रहे थे हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं बोला करा पास गया 80 फुट का था। मैं बोला और पास गया 60 फुट का था। मैं बोला करा घर गया फीता लेके आया फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला करा भाई देख किसी का खांसी हो तो अपना इलाज करो, इभी यो साला फीते से नाप लिया, अब कैसा कम करूं इसे। हम हालातों के घिरे को कवि है भाई साहब। मैं एक दृश्य देता हूं आपकी आंखों को,
मैं बता दूं मफतलाल अग्रवाल जी के बारे में इतना कह रहे थे, देखो आदमी दिमाग का कितना अच्छा है। मैं पिछले दिनों भाई साहब कार खरीदने गया, मैं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खरीदने गया हुआ था, तो मैं जब वहां पे पहुंचा तो मेरे पास मैंने पूरा मैं पूरी पेमेंट लेके आया था, पर 5000 रुपए कम पड़ गए। यार मेरे को जब 5000 कम पड़े मेरे को लगा यार किसी को मंगवा लेता हूँ। बाहर जैसे मैं रोड पे आया तो मैंने देखा मफतलाल अग्रवाल जी बाहर ही खड़े थे कार के शोरूम के। मैंने बोला मफतलाल जी 5000 रुपए देना, स्विफ्ट डिजायर लेने आया हूँ। अगले ने 10000 निकाल के दिया, जा एक मेरी भी लेके आ जी। ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पे, अब क्या कर लोगे ऐसे का बताओ। और हम परिस्थितियों में घिरे हुए हैं किस वजह से, और ये देखो ये हमारे दादा बैठे, ये चेहरे ऐसे के दादा धूप में बैठा हुआ था, इतने में उसका पुता कर दादा एक बार टें बोल दे। दादा की समझ भी नहीं आया, कह रहे ले भाई टें, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादा की समझ भी नहीं आया, कह रहे इतने में छोटा पोता आया, कह रहा दादा एक बार टें बोल दे, कह रहा यार बड़े वाला भी बुलवा के कह तो मेरे लिए भी बोल दे, कह ले बिट्टे कह हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जा। अब दादा ने हाथ पकड़ ले, कह रहे भाई चक्कर क्या है, ये टें क्यों बुलवा रहा और बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी पापा से कह रही थी पता नहीं ये बुढ़ा कब टें बोलेगा। तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। हम परिस्थितियों में मैं बतला दूं साहब, अभी भाई साहब अपनी कविता सुना रहे थे मैं बड़ा खुश हुआ, मैं भी एक कविता आपके बीच में रखता हूं। लेकिन देखिएगा उससे पहले दिल्ली की राजनीति कहां से कहां तक पहुंच गई। दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। और अगर आपके दिमाग में दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली में बैठा हुआ वो हमारे हमारा मुख्यमंत्री आपके दिमाग में, तो आपको पंक्तियां समझ में आएगी। एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया, तो लड़की ने जवाब दिया चार पंक्तियों में। भैया सुनिएगा सतीश भैया, लड़की बोली के कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो कंगाल निकला, मैं मोदी की तरह गरजने वाली वो खांसने वाला। समझ में तो आ गया है मेरे, और मुख्यमंत्री मेरा और डर आप लोग रहे हो। मैं बता भाऊ जी दिक्कत कुछ नहीं है उसके संग। मैं अभी जब ट्रेन में आ रहा था ना तो मैंने सामने वाले से पूछा मैं भैया कहाँ से हो, कर भैया झांसी से हैं। फिर उसने पूछा भाई साहब आप कहाँ से हो, मैंने बोला भाई मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब उसने मेरे साथ बात बंद कर दी। मैं बोला भाई देख मैंने अकेले ने वोट नहीं दिया था उसको, 80% लोगों ने वोट दिया तब कहीं जाके बनाए, पर मानते नहीं। पर हमारे यहाँ देश की एक और व्यथा है भाई साहब, मैं बतलाऊँ आपको अगर आप सुनना चाहते हो। देखो आंखें बंद कीजिए अपनी सारी, एक बेटा और माँ ऐसे भी हैं राजनीति में, आप सब जानते हो उनके बारे में। बेटे के उल्टे उल्टे बयानों से माँ बिल्कुल परेशान हो चुकी है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, यकीन मानिए अगर आपको दृश्य पूरा समझ में आए एक बार आंखें बंद कीजिए और जो बोल रहा हूं वो सुनो। इटली के गार्डन में मां सोनिया गांधी कुछ फूलों को पानी दे रही थी, उन फूलों में से एक फूल फल फूल नहीं पा रहा था, और थोड़ी सी दूरी पे श्री श्री 1008 महाराज रॉबर्ट वाड्रा जी कच्ची जमीनों पे अपना नाम लिखने की कोशिश कर रहे थे, और वहाँ दूर कोने में और वहाँ दूर कोने में दिग्विजय सिंह जी कच्ची कलियों को पानी दे रहे थे। ऐसे माहौल में एक माँ अपने बेटे से क्या कह रही है, माँ सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल से कह रही है, और फिल्म राम लखन फिल्म का गाना है, आप तक बात पहुंचे तो सुनिएगा। सुनिएगा सतीश भैया, दादा सुनिएगा सज्जन, माँ अपने बेटे से कह रही है, ओ राहुल बड़ा दुख दीन भाषण तेरे बड़ा दुख दीन, मेरी भद पिटवाई नाक भी ये कटवाई मेरा मुश्किल कर दिया जीना,
बड़ा दुख दी ना तेरे भाषण ने बड़ा। आगे माँ का दर्द सुनो भाई साहब। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आया। तूने अपना घर ना बसाया, दिग्विजय सिंह तो दूजी ले आए। तू है पप्पू अगर मुझे होती खबर, तुझे देती जन्म कभी ना, बड़ा दुख दी ना। इस मंच पे कविता हुई है, मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जब ये कविता, जब ये कवि सम्मेलन इस जगह पे अपने उरूस पे हो, तो मैं चाहता हूँ एक कविता से जुड़े आप लोग। और ये कविता जरूरी भी इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं दिल से खुश हुआ साहब, आपने आज हर विधा को सराहा है, चाहे वो रूबिया हो, चाहे वो साबिया जी हो, चाहे वो कोई भी हास्य का रंग रहा हो। मुझे ये लगा कि जब आज भाई ने पढ़ा, सबरस जी ने, तो मुझे लगा यार इसके बाद ना किसी चीज़ की जरूरत नहीं हो जाती। लेकिन आज आज फिर साबित किया कविता ने, कविता हर चीज़ के ऊपर भारी है। सतीश भाई की कविता को इतना प्यार दिया आपने, मैं चाहता हूँ एक बार सतीश भाई के सम्मान में जोरदार तालियां हो। और मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ साहब, सुनिएगा। आप भी भाई साहब लड़की देखने गए होंगे, जब भी आपकी शादी हुई होगी। मैं भी देखने गया था। अब मेरे संग जो उस घर में दृश्य हुआ, एक कविता के माध्यम से अभी तक जो आपको सुनाया वो एक दृश्यांत था। अब एक कविता सुनिएगा साहब, बिल्कुल शुद्ध हिंदी की कविता, दादा सुनिएगा। कि हम अपने बाबूजी, बस दो मिनट की कविता है, कविता सुनिए आप। और अपने जवानी के दिन याद करना, जैसे मैं गया था किसी के घर पर लड़की देखने। कि हम पिताजी के साथ अपने लिए बहू देखने गए थे, फोटो में तो जच गई थी, अब हू बहू देखने गए थे। कि लड़की वालों के घर पहुंचा तो देखा गजब नजारा था, सास सज धज के खड़ी थी मेरी, ससुरा झाड़ू लगा रहा था। और घर में सास की चलती थी, ये एक दृश्य समझा रहा था। सास के तन पे बनारसी साड़ी और लुंगी में ससुर हमारा था। और मेरा होने वाला साला तो गजब ढा रहा था, जोरू का गुलाम साड़ियां धो धो के सुखा रहा था। और मेरी थोड़ी सी चिंता तो इस बात से भी बढ़ रही थी, मेरी होने वाली साली पड़ोसन की चुटिया पकड़ के लड़ रही थी। ससुर ने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, और जैसे ही हम सोफे पे बैठे मुंह से निकला उई, उठ के देखा तो सोफे पे गड़ी हुई थी सुई। ससुर शर्माते हुए बोला, वो मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था। ससुर शर्माते हुए बोला, मैंने तेरी सास की साड़ी में फॉल लगाया था और जल्दबाजी में सुई को उल्टा मैंने ही गड़ाया था। खैर उसे चाय नहीं मैं कह सकता, हमारे लिए जो आई थी लगता था जैसे चाय नहीं बाबा रामदेव की दवाई थी। और तालियां तो अब बजाना आप। और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे, और चाय के साथ जो बिस्कुट आए थे लगता गलती से परोस दिए, कुत्तों के लिए मंगवाए थे। एक तरफ तो मेरा ससुर अपनी बकवास बातों से मेरा सिर धुन रहा था, बगल में खड़ा लड़की का जीजा स्वेटर बुन रहा था। ससुर ने तभी बेटी आ जाओ कहकर आवाज जो लगाई, ढाई हाथ का घूंघट करके वो लड़की पर आई। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अच्छा, लड़की के पिता का काम क्या होता है भाई साहब? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, यहाँ से इतने पैसे आते हैं। पर मेरे ससुर ने बतला दिया कि शादी के बाद मेरी भी जगह कहाँ होनी थी, हो सकता आपके भी कुछ लोगों की जगह वही हो। मैं बोला, जी मैं लड़की से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मेरा होने वाला ससुर बोला, मेरे पिताजी आइए समधी जी, मैं आपको अपनी रसोई दिखाता हूँ। उनके जाते ही मैंने पूछा, लड़की और मेरे बीच में बात हो रही है, हेलो क्या नाम है तुम्हारा? बोली, जी घर का नाम तो लूसी है हमारा, लूसी। मैं बोला, जी आपको नहीं लगता कि आपका नाम जानवरों से मिलता जुलता है? बोली, बेटे मेरा तो नाम है, तेरा तो हुलिया भी मिलता है। मैंने अपने आप को संभाला, अगला प्रश्न उसकी ओर डाला। मैंने पूछा, कहां तक पढ़ी हो ये तो बता दीजिए। बोले, जितने आप पढ़ चुके उसमें से 12 क्लास घटा दीजिए। फिर उसने पूछा कि आपको किस नाम से जानते हैं? मैंने बोला, जी बंदे को विनोद पाल के नाम से पहचानते हैं। बोली, बेटे जिस तरह से तो तुक से तुक मिला रहा है, मुझको तो कोई माट का ही नजर आ रहा है।
बोली जिस तरह से तू तो तुक से तुक मिला रहा, मुझको तो कोई माट का ही नजर आ रहा है। मेरे हाँ कहने पर लगी, सच सच बता तेरी कविताओं से कितनी कमाई है, और सच में ये भी बता क्या तूने कभी माट में कविता सुनाई है, और मुझे ये भी बता के तेरी कविताओं से कितनी कमाई। और अगली पंक्ति भले ही आपके मतलब की ना हो, लेकिन साहब काव्य मंच पे बहुत लोग बैठे पड़े हैं, अगली पंक्ति उनके सामने रख रहा हूँ, जो इस वक्त काव्य मंचों की जरूरत बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगली पंक्ति आप समझे तो आपके लिए, वरना मंच के जितने लोग हैं उनके लिए है कि सच सच बता क्या तूने कभी माट में कविता सुनाई है, और ये भी बता कि तेरी कविताओं से कितनी कमाई है। मैं बोला है पागल लड़की, क्या तेरी समझ में नहीं आता है, आजकल एक कवि का घर एक चुटकुला चलाता है, आजकल एक कवि का घर एक चुटकुला चलाता है। बोली वाह बेटे वाह 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 वाह, हास्य में व्यंग मार रहा है, कवियों के सामने कवियों की उतार रहा है, फिर तो उसकी इच्छाओं की शुरू हुई बरसात, और कुछ ही देर में पता चल गई हमको अपनी औकात। बोली नेता का रिश्तेदार नहीं तो करता भ्रष्टाचार नहीं तो पास तेरे कार नहीं है, ढंग का कारोबार नहीं है, कंप्यूटर में अकाउंट नहीं है, जेबों में अमाउंट नहीं है, कपड़ों में स्टाइल नहीं है, कंपनी का मोबाइल नहीं है, HP का लैपटॉप नहीं है, तेरे संग स्कोप नहीं है। बहुत अच्छी, क्या बात है, जिंदाबाद, सर से लेकर पांव तक मुझको लकवा मार गया, एक लड़का हो करके मैं मॉडर्न लड़की से हार गया, अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही चार पंक्तियां सुनाता हूं, और ये चार पंक्तियां मेरी विदाई की लीजिएगा साहब, और मुझे भरपूर प्यार दीजिएगा। मैं जानता हूं आपने बहुत देर तक ये मंच सुना है, बस ये चार पंक्तियां कि अब तो जिस भी मंच पर जाता हूं बस यही चार पंक्तियां गुनगुनाता हूं, कि जमी पे रह के क्यों आसमान ढूंढते हो, पतझड़ में घर बसा के क्यों बागवान ढूंढते हो, और शादी ही समस्याओं की जड़ है कुवारो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी मौत का सामान ढूंढते हो, क्यों अपनी।